हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें से हम लोग इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख चुके हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने देखा था हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हमने कुछ बेसिक टर्म कि अंडर डेवलप्ड क्या होता है, या अंडर डेवलप्ड क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री क्या होती है वो हमने देखा था, और स्टैटिक इकोनॉमी क्या होती है, वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या होती है वो हमने सब कुछ देखा था। ठीक है, मतलब स्टैगनेंट और वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या क्या होता है वो सब हमने देखा था। अब हमने एक्चुअली पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या था? फर्स्ट चैप्टर था, देखो पहला यूनिट था डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहले चैप्टर यूनिट का पहला चैप्टर हमने करने हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे सेम यूनिट का कि 50 से 90 के बीच कैसे कैसे हमारे देश में प्लान चले थे, कब तक चले थे, ठीक है, कब ख़त्म हुआ प्लान और कितने सालों का प्लान था, वो सब देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे देश की स्थिति क्या थी। हमने विभिन्न एंगल देखा है कि एग्रीकल्चर का पोजिशन क्या था, या ट्रेड, या हम लोग देखेंगे फिर एक इंडस्ट्री कैसी थी, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे थे, क्या क्या प्रॉब्लम थी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर का पहला यूनिट है, 10 यूनिट है टोटल। ठीक है, पहले चैप्टर का पहला यूनिट है। ठीक है, तो उसमें से हमने सबसे पहले देखना है कि एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं कि सब क्या क्या देखेंगे। एग्रीकल्चर की बात देखेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात देखेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि मेन सोर्स जो था काम करने का, अधिकतर लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में लिमिट थे, मतलब एग्रीकल्चर ही करते थे। क्योंकि देखिए, अंग्रेज ने हमारे जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री मतलब क्या था, जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर थे, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को ख़त्म कर दिया था। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को क्यों ख़त्म किया था? क्योंकि उन्हें अपना सामान बेचना था, अपना सामान बेचना था। तो इस चक्कर में हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मतलब धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया हमारे सेक्टर को, क्योंकि उनको अपना सामान बेचना था। ठीक है, तो इंडिया, क्योंकि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर बहुत थी, इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर भी बहुत थी, जैसे हमारे यहाँ कॉटन, सिल्क, मेटल, ये सब का हम एक्सपोर्ट भी करते थे। लेकिन इसके बाद हमने ब्रिटिश की पॉलिसी ने ऐसा चेंज किया कि ब्रिटिश की पॉलिसी जो हमारे इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया और हमें बना दिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल के, भाई आप कॉटन सप्लाई करो, आप मेटल सप्लाई करो, हम आपको बना के सामान फिनिश्ड गुड भेजेंगे, फिर आप उसको खरीदना क्योंकि आपके पास मार्केट है, आप खरीदना। तो जो लोग इन सेक्टर में थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इनको हैंडीक्राफ्ट या जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में थे उसको उनको इसके अलावा कुछ आता भी नहीं था, और पहले से ही एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा बर्डन था, तो और ज़्यादा बर्डन हुआ एग्रीकल्चर पे। मतलब एग्रीकल्चर पहले भी उतनी मुनाफा नहीं करती थी, और ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि एग्रीकल्चर के तरफ ही जा सकते हैं, किसी और तरफ तो जा ही नहीं सकते। तो हमारा पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम हो गया। ठीक है, और देखिए, पर कैपिटा इनकम अंग्रेज तो निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो चूस रहे थे, हमारे खून चूस रहे थे, तो क्यों निकालेंगे। तो हमारे कुछ अपने प्राइवेट लोगों ने, जैसे दादा भाई नौरोजी देसाई जी ने, डीएन राव करके एक थे, उन इन सब लोग ने निकाला। तभी तो आपने दादा भाई नौरोजी जी का एक बुक पढ़ा होगा, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ऐसा देखा होगा आपने, एक बुक था उनका, नाम देख लीजिए, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एग्रीकल्चर के क्या, एग्रीकल्चर बहुत वल्नरेबल था क्योंकि उस समय कोई इरिगेशन के फैसिलिटी नहीं थी, तो उस समय सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड होते थे, और एग्रीकल्चर बहुत स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होते थे। स्मॉल इसीलिए क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते जाते थे, ठीक है, तो बहुत स्मॉल एंड प्रोडक्टिव फ्रेगमेंटेड होते थे, छोटे छोटे टुकड़े होते थे, जिसमें आप क्या साइंटिफिक टेक्निक अपना भी नहीं सकते हो। ठीक है, 85% पे क्या होता था, 85% लोग एग्रीकल्चर पे में लिंकेजेस थे। उसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, प्रोडक्टिविटी कम इसलिए थी क्योंकि आप फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हो, पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हो, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इरिगेशन टाइम पे नहीं कर रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन करना भी तो गलत ही है ना।
उसके अलावा स्टैग्नेशन था। स्टैग्नेशन का मतलब क्या था कि ऐसा नहीं था, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही थी। क्यों? उसके बहुत कारण थे। उसके कारण थे एक तो लैंड सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट जमींदारी प्रथा थी, और उसके अलावा दूसरी दूसरा कारण था, सॉरी, उसके कारण था दूसरा फोर्स कमर्शियलाइजेशन। जैसे इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, इंडिगो की खेती करवाई जाती थी तो पहले, चलिए पहले इंडिगो वाले समझ लेते हैं। इंडिगो खेती करवाई जाती थी, लोगों के पास पैसे नहीं होते, तीन कठिया सिस्टम होता था। तीन कठिया सिस्टम आपने मॉडर्न में पढ़ा होगा, ठीक है। इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, इसका मतलब क्या, लोगों के पास पैसे नहीं थे इंडिगो की खेती करने के लिए, तो लोग क्या करेंगे, जमींदार या मुंशी वगैरह से पैसे लेंगे। उसके बाद क्या होगा, मुंशी से पैसे लिए और फिर उसको चुका नहीं पाएंगे, बाय द वे चुका नहीं पाए तो वो अपने खेत में चुका नहीं पाएंगे, तो बाद में खेत बेच के उनको पैसा चुकाना पड़ेगा, खेत या खेत हड़प लेंगे मुंशी। तो जिस खेत पे अभी उन जिस खेत के मालिक थे वो पर्टिकुलर वर्कर या पर्टिकुलर आदमी, वो अगले ही दिन उस पे एज ए लेबर बन के काम करेंगे, ठीक है ना। तो और उसके पंच परपेक्चुअल इंडेपेंडेंस, परपेक्चुअल सोशियोलॉजी का टर्म है कि आपका क्या होता है कि इंडेपेंडेंस रह ही जाता है, खत्म नहीं होता, हमेशा के लिए इस जनरेशन से उस जनरेशन डेप्ट रही जाती है। फोर्स कमर्शलाइजेशन आपने देखी है, इंडिगो खेती, उसके जमींदारी प्रथा तो आपको पता ही हो, जमींदार जमींदार बनाया जाता था, जमींदार को लैंड ऑनर बना दिया जाता था, और वो क्या करता था कि कर को उछल के गवर्नमेंट को देता था, मतलब इंग्लैंड गवर्नमेंट को दे देता था। तो ऐसा नहीं, जमींदारों का भी राज चलता था, जमींदारों पे भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होती थी। एक सनसेट थ्योरी होती है, उसमें होता है कि गवर्नमेंट जमींदार अगर शाम से पहले, यार मतलब जो टाइम लिमिट फिक्स कर दिया है इंग्लैंड ने, उससे पहले अगर कर नहीं जाके चुकाया तो उसकी जमींदारी का जो पद है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर से किसी और को बनाया जाएगा। उन मतलब उनको जमींदारी के पद से जैसे ही हटाएगा, उसका मतलब जो मालिक थे वो सारे जमीन के मालिक का ना अधिकार ही खत्म हो गया उनका, ठीक है। देखिए लैंड सेटलमेंट में दो लोग थे, एक जमींदार थे एक फार्मर थे। तो जमींदार कुछ कर नहीं रहे थे, उनको लग रहा था यार क्या करे, ये तो बिना इन्वेस्टमेंट से मिली है, हमारे पुश्तैनियों से मिली है, तो हम क्यों इसमें इन्वेस्ट करें, बिना इन्वेस्टमेंट के तो पैसा आ रहा है। और फार्मर के पास पैसे नहीं थे, और वैसे भी पैसे थे भी जिन फार्मर के पास, वो भी सोचते थे यार गुजर बसर बस हो जाए खेती से, क्या इसमें ज्यादा पैसा लगाना, क्योंकि वो लगाते भी तो उनका कम फायदा होता, ज्यादा अंग्रेज का या जमींदार का फायदा होता, ठीक है। फिर अगला हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर आपने पता, सिस्टमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हमारे इंडस्ट्री को धीरे 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 करके तोड़ा उन्होंने, पहले धीरे धीरे तोड़ा, ठीक है। जैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट को पहले खत्म किया, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट को खत्म किया, क्या क्या कारण थे देखिए, हैंडीक्राफ्ट का डीके होना क्या क्या कारण थे, अंग्रेजों ने अपनी सामान ला दी, अपनी सामान ला दी तो लोगों का पैटर्न चेंज हो गया। जैसे लोगों का यहाँ पे, जैसे अभी की बात ले, लोगों को पिज्जा अच्छा लगने लगा है, तो हमारे अपने यहाँ का जो डोमेस्टिक सामान बना है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो डिमांड पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। और ऐसे किसी को गलत नहीं बोल सकते, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ, लोग ऑब्वियसली अच्छा नया खाना चाहेंगे और या अच्छा खाना चाहेंगे, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि डोमेस्टिक वाले भी अच्छे बनाए, तभी तो क्या होगा, कंपटीशन बना रहेगा। हम किसी को ऐसे, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उस समय, अभी मैं अभी की अच्छे की बात कर रहा हूँ, उसमें इनका तरीका अच्छा नहीं था, ठीक है। उसका डिस्क्रिशनरी टैरिफ पॉलिसी थी कि टैरिफ पॉलिसी थी कि आप क्या करो, डिस्क्रिशनरी कैसी कि इंडिया इंडिया के अपने हाथ में नहीं था कि वो अपना सामान कहाँ पे थे, वो इंग्लैंड के हाथ में था, भाई आपको यहाँ बेचना है, हम आपको आदेश देते हैं कि आप यहाँ बेचिए, आप वहाँ नहीं बेच सकते, ऐसे मतलब पूरा अपना दबदबा। उसके डिसअपियरेंस ऑफ प्राइमरी कोर्ट, प्रिंसली कोर्ट, प्रिंस सॉरी प्रिंसली कोर्ट के का डिसअपियरेंस हो गया। प्रिंसली कोर्ट क्या करता है, प्रिंसली कोर्ट हैंडीक्राफ्ट सेक्टर या फार्मर के बारे में बहुत सोचते थे, लेकिन जैसे ही डिसअपियरेंस हुआ प्रिंसली कोर्ट के, तो इनके इनके लिए कोई सोचने वाला भी नहीं रह गया, ठीक है। तो इससे भी एक कारण है कंपटीशन, भाई कैसे हाथ से बना हुआ सामान मशीन के बने हुए सामान का कैसे कंपटीशन कर सकता है, तो कंपटीशन में तो पीछे रह ही जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन, रेलवे के इंट्रोडक्शन से हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर गांव गांव तक नहीं जा पाता था, वो अंग्रेज का बना हुआ मशीनी सामान में अब गांव गांव तक जाने लगा, ठीक है ना।
ये तीन टॉपिक हमने क्या क्या देखा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके अलावा हमने देखा एग्रीकल्चर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके अलावा हमने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। उसके अलावा तीन और, मतलब चार और हैं, चार हम अगली वीडियो में डाल रहे हैं, बस अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर में।